स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। अगर हम लोग इसके मेजर पार्ट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो याद रखिएगा, फोर ब्रेन जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम का बना रहता है। सेरेब्रम हैज डिफरेंट एरियाज फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट फंक्शंस। अब सेरेब्रम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। सबसे पहला, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, तो आंसर याद रखिएगा, दैट इज सेरेब्रम। इट कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाला भी सेरेब्रम है। ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इट रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटेग्रेट्स इट। इट इज द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। तो इतना याद हो गया फोर ब्रेन में। ये थिंकिंग पार्ट है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जितने भी सेंसरी इंपल्सेस हैं, इट इज रिसीव्ड बाय द सेरेब्रम, और इसके अलावा इट इज द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। चलिए नेक्स्ट आ गया हम लोगों के पास मिड ब्रेन। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। याद रखना, वॉलंटरी एक्शन किसने कंट्रोल करे? फोर ब्रेन ने। अब मिड ब्रेन क्या कर रहा है? इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। कैसे? सच एज चेंज इन पपल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। देन हिंड ब्रेन की बात करेंगे। हिंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट है। सबसे पहला सेरेबेलम। इट मेंटेन्स पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हमारे बॉडी में पॉस्चर और इक्विलिब्रियम ब्रेन का कौन सा पार्ट हैंडल करता है, तो वो है सेरेबेलम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। याद रखना, अगर आपको आ जाए कि ब्लड प्रेशर ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो हैंडल करता है, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। देन पॉन्स की बात करेंगे। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कंट्रोल करना किसका काम है? पॉन्स का। आप देखो, आपके सामने ये पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है। फोर ब्रेन दिखाया हुआ है, दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है उसके फर्दर 3 पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिखाया हुआ है, देन कॉर्पस कॉलस एंड दैट्स इट। आपका ह्यूमन ब्रेन का जो है यहाँ पे टॉपिक रिवाइज हो गया। एग्जाम में आता है, डायग्राम बना के इन पार्ट्स को लिख दीजिए, आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे।